हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्फ जॉब की दुनिया में। आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी गोल्फ कंट्री की जॉब की इन्फॉर्मेशन दी गई है और पूरे डिटेल में बताया गया है कि कैसे अप्लाई करना है और किस कंसल्टेंसी में इंटरव्यू आया हुआ है। दोस्तों, इन सभी जॉबों का इंटरव्यू ऑनलाइन होने वाला है दोस्तों, तो अपना ऑनलाइन स्काइप आईडी, एमओ आईडी, जूम आईडी जरूर मेंशन कर दें रिज्यूम में अप्लाई करने से पहले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और गर्व जब सर्च कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि हम डेली अपडेट लेके आते रहते हैं गोल्फ कंट्री की जॉब की। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, बात करें हमारे सबसे पहली वैकेंसी के बारे में। अबू धाबी के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, 3 to 6 मंथ का शटडाउन रहेगा। इसमें वैकेंसी के बारे में बात करें, फीटर चाहिए 150 लोगों की ज़रूरत है, रिगर के 30 लोगों की ज़रूरत है, PTW कोऑर्डिनेटर 38 लोग चाहिए, स्टोर कीपर 5 लोगों की ज़रूरत है, सेफ्टी टेक्नीशियन 15 लोग की ज़रूरत है, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन 8 लोगों की ज़रूरत है, इंस्ट्रूमेंट फीटर 8 लोग चाहिए, इलेक्ट्रीशियन 5 लोग चाहिए, फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर 2 लोगों की ज़रूरत है, ट्रेलर या टैंकर ड्राइवर 2 लोगों की ज़रूरत है, हियाब ऑपरेटर 2 लोगों की ज़रूरत है। इसमें कैंडिडेट के पास डेस्कन कैंडिडेट्स ओनली अप्लाई कर सकते हैं। अगर डेस्कन में आपका एक्सपीरियंस है कंपनी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑफिस के बारे में बात कर, ओनली तमिलनाडु कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। दोस्तों, अगर आप भी तमिलनाडु से और अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना अपडेटेड रिज्यूम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट कॉपी दिए गए ईमेल एड्रेस पर जल्द से जल्द सेंड कर दें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें। बात करें ऑफिस कंसल्टेंसी के बारे में, ये साईं राम कंसल्टेंसी ऑफिस है दोस्तों, तमिलनाडु की ऑफिस है। इसका वेबसाइट भी दिया गया है तो आप जाके चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे भी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा अगला वैकेंसी की तरफ। तो बात करिए अगला वैकेंसी को, ये केएस सऊदी अरबिया के लिए रिक्वायरमेंट है। इसको चाहिए वर्क परमिट रिसीवर की रिक्वायरमेंट है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर में क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सैलरी भी मेंशन किया गया है 1300 सऊदी रियाल प्लस फूड एंड एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी, इंग्लिश स्पीकिंग मस्ट है दोस्तों इस जॉब के लिए, DME इज मैकेनिकल डिप्लोमा इन मैकेनिकल, फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर आप फ्रेशर हैं और डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। अप्लाई करने के लिए दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना CV डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द सेंड कर दें और अधिक जानकारी है कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगला वैकेंसी की तरफ। बात करें अगले वैकेंसी के बारे में, ये दोस्तों ये कतर के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, इसका इंटरव्यू स्काइप पर होने वाला है। इसको चाहिए हाउस कीपर मेल एंड फीमेल फॉर 5-स्टार प्रॉपर्टी के लिए रिक्वायरमेंट है, इमीडिएट डिपार्चर होगा इसका। अगर इसमें सैलरी की बात करें, मेंशन किया गया है 1500 बेसिक सैलरी रहेगा और प्लस फूड अलाउंस 300 देगी कंपनी, प्लस शेयरिंग एकोमोडेशन रहेगा, नीड 3-4-5 स्टार प्रॉपर्टी एक्सपीरियंस है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अपना CV क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पासपोर्ट स्कैन कॉपी दिए गए ईमेल एड्रेस पर सेंड कर दे और जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर ले। ये ऑफिस अच्छी ऑफिस है, कंसर्न मैनपावर ऑफिस है दोस्तों, अच्छी ऑफिस है, भरोसेमंद ऑफिस है। चलिए बढ़ते हैं अगला वैकेंसी की तरफ। तो बात करें अगला वैकेंसी के बारे में, ये भी सऊदी अरबिया के लिए रिक्वायरमेंट है। इसको चाहिए दोस्तों ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ट्रेलर ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, ऑपरेटर चाहिए हाइड्रा क्रेन ऑपरेटर, JCB ऑपरेटर, लोडर बबकट ऑपरेटर, एक्सकेवेटर ऑपरेटर, फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। अगर आप भी इन सभी जॉब के लिए में से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ड्राइवर्स एंड ऑपरेशन मस्ट हैव एनी GCC ओरिजिनल एंड 1 ईयर वैलिड लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों ड्राइवर और ऑपरेटर के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करें तो पाइप फिटर की रिक्वायरमेंट है, विथ गुड आइसोमेट्रिक ड्राइंग का नॉलेज होना चाहिए, प्लम्बर स्ट्रक्चर फिटर, रिगर 3, हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन ITI होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट फिटर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, स्काफ होल्डर, स्प्रे पेंटर, साइन ब्लास्टर, स्टील फिक्सर, मेसन, शटरिंग कारपेंटर की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। अगर इन सभी जॉब में से किसी भी जॉब के लिए अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए आप दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना रिज्यूमे एंड डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द सेंड कर दें दोस्तों। इसमें कंपनी आपको फ्री फूड एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी, 8 आवर्स का ड्यूटी और रहेगा प्लस OT रहेगा कंपनी की तरफ से। अगर इन सभी पोजिशनों के लिए कैंडिडेट के पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए दोस्तों कम से कम। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा अगला वैकेंसी की तरफ। बात करें अगला वैकेंसी के बारे में दोस्तों, ये कतर के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, ये लाइट ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। अगर आप भी लाइट ड्राइवर में जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए जॉब है दोस्तों। इसमें आपको सैलरी भी मेंशन किया गया है, 1300 कतरी सैलरी बेसिक रहेगा प्लस 200 फूड के लिए अलाउ प्रोवाइड करेगी कंपनी दोस्तों।
मस्ट हैव कतर का लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड या एक्सपायर्ड है तो भी चलेगा। 9 आवर्स का ड्यूटी और कंपनी की तरफ से रहेगा। एज लिमिट दिया गया 35 से कम का एज होना चाहिए, या 35 है तो चलेगा एज। तो अगर आप भी इंटरेस्ट हैं जॉब के लिए और अप्लाई करना चाहते हैं तो रिज्यूमे डॉक्यूमेंट लाइसेंस अपना दिए गए ईमेल एड्रेस पर जल्द से जल्द सेंड कर दें। शॉर्ट लिस्टिंग प्रोग्रेस में चल रहा है। अगर आप भी इंटरेस्ट हैं जॉब के लिए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगला वैकेंसी की तरफ। तो बात करें अगला वैकेंसी के बारे में, ये ओमान के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है दोस्तों। ये फ्री वीज़ा फ्री टिकट कंपनी प्रोवाइड करेगी और ये इसमें हायरिंग फॉर लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसको चाहिए ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल, जिसकी सैलरी रहेगा 200 से लेकर 350 के बीच में कंपनी सैलरी प्रोवाइड करेगी। जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो वीडियो को पॉज करके जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। और नेक्स्ट वैकेंसी है ड्राफ्ट्समैन प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग रिक्वायरमेंट है, जिसकी सैलरी 200 से लेकर 350 के बीच में ओमानी रियल रहेगा। इसका भी जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो वीडियो को पॉज करके जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लें। ड्राफ्ट्समैन HBSC की रिक्वायरमेंट है, जिसकी सैलरी भी 200 से लेकर 350 ओमानी रियल के बीच में रहेगा। इसका भी जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो वीडियो को पॉज करके जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से पढ़ लें। आपके पास कैंडिडेट के पास मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लाइक रेजिडेंशियल कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंग विलाज मल्टी स्टोरीज स्टोरी एक्सेट्रा। जिस किसी का एक्सपीरियंस है तो एडवांटेज रहेगा, अगर नहीं है तभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कंपनी आपको अट्रैक्टिव सैलरी फ्री फूड एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी। कैंडिडेट के पास गुड कम्युनिकेशन इन स्किल होना चाहिए इंग्लिश में। एज लिमिट दिया गया है 35 ईयर्स मैक्सिमम एज होना चाहिए कैंडिडेट के पास। CV शॉर्ट लिस्टिंग प्रोग्रेस में चल रहा है तो जल्द से जल्द अप्लाई करने की कोशिश करें दोस्तों। इसमें अप्लाई करने के लिए दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट CV सेंड कर दें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर जल्द से जल्द संपर्क कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगला वैकेंसी की तरफ। बात करें अगले वैकेंसी के बारे में तो दोस्तों, ये ओमान के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है। हायरिंग फॉर लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी इलेक्ट्रिकल डिवीजन के लिए रिक्वायरमेंट है। फ्री वीज़ा फ्री एयर टिकट कंपनी प्रोवाइड करेगी। इसको चाहिए स्टोर कीपर इलेक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट है। कैंडिडेट के पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, मिनिमम 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल स्टोर में और कंस्ट्रक्शन कंपनी में दोस्तों। शुड हैव गुड सिस्टम नॉलेज एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए कैंडिडेट के पास। इसमें कंपनी आपको ईयरली वैकेशन देगी विथ फ्री रिटर्न टिकट, 1 मंथ सैलरी भी कंपनी पेड करेगी। इसमें कंसल्टेंसी के बारे में बात करें तो प्रीमियर ट्रेवल कंसल्टेंसी अच्छी ऑफिस है, भरोसेमंद ऑफिस है दोस्तों। अगर आप भी इंटरेस्ट हैं जॉब के लिए और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका CV शॉर्ट लिस्ट प्रोग्रेस में चल रहा है तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट CV सेंड कर दे और जानकारी के लिए कोई भी डाउट है कोई भी क्यूरी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर ले। और इसमें कंपनी आपको अट्रैक्टिव सैलरी फ्री फूड एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगला वैकेंसी की तरफ। तो बात करें अगला वैकेंसी के बारे में, ये ओमान के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है फ्री वीज़ा। तो बात करें अगले वैकेंसी के बारे में तो ये फ्री वीज़ा फ्री टिकट ओमान के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है। कंपनी आपको फ्री वीज़ा फ्री एयर टिकट देने वाली है दोस्तों। फ्री रिक्वायरमेंट है ये बिल्कुल। इसको चाहिए इलेक्ट्रीशियन बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल के लिए। इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया तो वीडियो को पॉज करके जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से पढ़ लें। ड्यूटी और 9 आवर का रहेगा, 22 दिन महीने में 22 दिन ड्यूटी रहेगा। डेली कंपलसरी OT रहेगा, मिनिमम 2 to 3 to 4 आवर्स का ओवर टाइम रहेगा। फ्राइडे सैटरडे कंपलसरी ओवर टाइम रहेगा। अट्रैक्टिव सैलरी फ्री फूड एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी। इसमें कंपनी आपको मुफ्त वापसी टिकट के साथ वार्षिक अवकाश और छुट्टी के साथ 1 महीने का वेतन भी कंपनी प्रोवाइड करेगी। अगर आप भी इंटरेस्ट हैं जॉब के लिए और अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना CV एंड डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द शेयर कर दें और अधिक जानकारी के लिए कोई भी डाउट है कोई भी क्यूरी दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगला वैकेंसी तरफ। तो बात करें अगला वैकेंसी के बारे में तो ये कतर के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है। इसको चाहिए हाउसिंग मैनेजर, जिसकी सैलरी 8,000 से लेकर 10,000 कतरी रियाल प्रोवाइड करेगी कंपनी। इसमें वेस्ट मैनेजमेंट सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, जिसकी सैलरी रहेगा 2500 से लेकर 3000 के बीच में, प्लस फ्री फूड एंड एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी। ELB टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, जिसकी सैलरी 3000 सैलरी रहेगा बेसिक, प्लस फ्री फूड एंड एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी। अगर आप भी इंटरेस्ट हैं इन जॉब के लिए और अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल आई डी पर अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट CV सेंड कर दे और अधिक जानकारी के लिए और कोई भी डाउट है कोई भी क्यूरी है दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें। बात करें ऑफिस के बारे में, कैरियर्स इंटरनेशनल ऑफिस है, अच्छी ऑफिस है, तमिलनाडु के ऑफिस है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला वैकेंसी की तरफ। तो बात करें अगले वैकेंसी के बारे में दोस्तों, ये ओमान के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है दोस्तों। लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी ओमान की, इसका इंटरव्यू जूम पे इंटरव्यू होने वाला है तो दोस्तों इसको चाहिए केबल ज्वाइंटर, सैलरी नेगोशिएबल रहेगा। इसका जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है अच्छी तरीके से, जॉब डिस्क्रिप्शन वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। इलेक्ट्रीशियन ITI इन इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, इसका भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो वीडियो को पॉज करके जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लें और अप्लाई करने से पहले पहले पढ़ लें दोस्तों।
तो बात करें अगला वैकेंसी की, इसको चाहिए दोस्तों इलेक्ट्रिकल हेल्पर की भी रिक्वायरमेंट है, ITI इन इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद आपके पास 3 to 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो वीडियो को पॉज करके जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से पढ़ ले अप्लाई करने से पहले। इसमें प्लम्बर चाहिए, ITI इन प्लम्बिंग का होना चाहिए, ITI होना चाहिए जिसमें मिनिमम 8 to 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो वीडियो को पॉज करके जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ ले और अपना प्रोफाइल रेडी कर ले दोस्तों। प्लम्बर हेल्पर की रिक्वायरमेंट है ITI इन प्लम्बिंग में होना चाहिए, ITI होना चाहिए, कैंडिडेट के पास 3 to 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया तो वीडियो को पॉज करके जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे तरीके से पढ़ लें। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं इन जॉबों के लिए और अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी जॉब के लिए तो आप दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट CV सेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है इन जॉबों के लिए और यदि जानकारी लेना चाहते हैं तो तमिल में है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर ले, इंग्लिश आता है तो दिए गए नंबर पर कॉल करें, अगर हिंदी आता है तो हिंदी का नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टेक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। बात करें ऑफिस के बारे में दोस्तों, ये NS कंसल्टेंसी ऑफिस है, ये बहुत अच्छी ऑफिस है दोस्तों, भरोसेमंद ऑफिस है। चलिए बढ़ते हैं अगला वैकेंसी की तरफ। तो बात करें अगला वैकेंसी के बारे में दोस्तों, ये ओमान के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है दोस्तों। इसको चाहिए बायोमेडिकल सुपरवाइज़र, AC रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन, असिस्टेंट HVAC टेक्नीशियन, असिस्टेंट AC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, बॉयलर टेक्नीशियन, बॉयलिंग LI टेक्नीशियन, कंट्रोल पैनल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, किचन एंड लॉन्ड्री टेक्नीशियन, सबका इधर दिया गया है कितने लोगों की जरूरत है और सैलरी कितना रहेगा, तो वीडियो को पॉज करके जान ले ले। किचन एंड लॉन्ड्री टेक्नीशियन, मैकेनिकल टेक्नीशियन, मेडिकल गैस टेक्नीशियन, क्वांटिटी सर्वेयर एंड RO प्लांट ऑपरेटर, सिस्टम टेक्नीशियन, स्टीम टेक्नीशियन, स्टरलाइजर टेक्नीशियन, STP ऑपरेटर, डीजल मैकेनिक, फर्नीचर कारपेंटर, पेंटर, प्लम्बर, पंप मैकेनिक, इरिगेशन टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं इन जॉबों के लिए और अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कर दें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें दोस्तों। इसमें ऑफिस के बारे में बात कर करियर इंटरनेशनल ऑफिस से दिए गए नंबर एड्रेस पे विजिट करके संपर्क कर सकते हैं, चेन्नई की ऑफिस है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला वैकेंसी की तरफ। तो बात करें अगला वैकेंसी के बारे में, कतर के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है दोस्तों। इसको चाहिए वेस्ट मैनेजमेंट सुपरवाइजर जिसकी सैलरी रहेगा 2500 से लेकर 3000 कतरी रियाल के बीच में कंपनी सैलरी प्रोवाइड करेगी। ELB टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है जिसकी सैलरी 2500 से लेकर 3000 कतरी रियाल के बीच में रहेगा। फूड एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं इन जॉबों के लिए और अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट CV जल्द से जल्द शेयर कर दें और अधिक जानकारी के लिए और कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें। बात करें ऑफिस के बारे में, कैरियर इंटरनेशनल ऑफिस से दिए गए एड्रेस पर विजिट करके आप पता कर सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला वैकेंसी की तरफ। तो बात करें अगला वैकेंसी के बारे में, तो ये कतर के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है, ग्रुप ऑफ कंपनी है कतर की। इसको चाहिए VRV एंड या VRV टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है जिसकी सैलरी 2500 से लेकर 2700 के बीच में रहेगा। एंड जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो वीडियो को पॉज करके जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से पढ़ लें। इसमें 8 आवर का ड्यूटी आवर रहेगा प्लस ओवर टाइम कंपनी प्रोवाइड करेगी। एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी कंपनी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की तरफ से। बात करें ऑफिस के बारे में, MI इंटरप्राइज ऑफिस मुंबई की ऑफिस है, अच्छी ऑफिस है, भरोसेमंद ऑफिस है दोस्तों। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं जॉब के लिए और अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस में कंप्लीट डॉक्यूमेंट भी सेंड कर दें और अधिक जानकारी के लिए और क्यूरी कोई भी है, डाउट है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं अगला वैकेंसी की तरफ। दोस्तों बात करें अगला वैकेंसी के बारे में, ये बहरीन के लिए रिक्वायरमेंट आई हुई है दोस्तों। अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर वन ऑफ द लीडिंग फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसको चाहिए फिनिशिंग कारपेंटर या इंस्टॉलर जिसकी सैलरी रहेगा 120 दिनार प्लस ओवर टाइम। हेल्पर की रिक्वायरमेंट है जिसकी सैलरी रहेगा 100 BD प्लस ओवर टाइम कंपनी के तरफ से रहेगा। कंपनी प्रोवाइड एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगी। ड्यूटी आवर 9 आवर का ड्यूटी आवर रहेगा। लार्ज नंबर में वैकेंसी है दोस्तों, इमीडिएट डिपार्चर होना है इसमें। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपने डॉक्यूमेंट CV सेंड कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए नासिर ओवरसीज ऑफिस है, अच्छी ऑफिस है, भरोसेमंद ऑफिस है दोस्तों, इससे संपर्क कर सकते हैं, मुंबई की ऑफिस है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना वैकेंसी, फिर मिलेंगे अगले वैकेंसी के वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, अब अच्छे से रहिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए दोस्तों।